34 गाथा का भावार्थ अभी पाठ करें। सद्दे भावे जन्मा अचखाई परे तिड़ा दूरं तम्मा पचखानं नानं नामुडीदं सद्भाव परै ज्ञाने प्रत्या ज्ञाने भाव का करे इस श्रेणियों से ज्ञान ना के जिससे अपने अतिरिक्त सर पदार्थों को पर हैं ऐसा जानकर प्रत्यक्षान करता है, त्याग करता है, उससे प्रत्यक्षान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्यक्षान है और कोई दूसरा त्याग प्रतिख्यान नहीं। इन सारे जगत से जिनेन्द्र देव के शासन की बातें न्यारी, सारा जगत कहता है हमने किया वो किया, अपने भगवान कहते हैं कि किसी जीव में करने का धर्म ही नहीं है। सारे जीव कहते हैं इतने दिन से पूजन पाठ स्वाध्याय कर रहा है तो ऊपर चले जाएं, ये पुण्य तो कर्म है, पुण्य में धर्म। आज गुरुदेव श्री ने योग सार में पुण्य और पाप भाव की समानता बहुत देर तक बताई। तो कैसे करणान युग से न्याय दी कि जिस समय ये जीव को पुण्य बंद होता है और उसके उदय आते और भोग सामग्री सुख सामग्री मिलती, तो उन्होंने कहा तीन बातों का विचार था। ये जो सुख सामग्री मिली इसमें सुख नहीं है और तुझे सुख भाषित हुआ, एक महापाप। और इस ये जो सामग्री मिली इसमें पहले तू बंधन को प्राप्त हुआ तो बंधा और तूने उसे उपाधेय मान, तो बंध तत्व की भूल। और ये जो बंध हुआ वो सुख भाव से हुआ, शुभ भाव आश्रय तत्व है, इसमें कष्ट होता है और तुझे ही आनंद आता है। ये तीन प्रकार की विपरीतता बताए कौन कौन सी। जो सामग्री मिली तुझे नहीं मिली है, संयोगों में पड़ी, शुभ कर्मों का फल विषय भोग सामग्री घर पड़े और घर पड़ा है स्वर्ग भी। स्फटिक मणि के दरवाजे हैं, हरित नील मणि की भूमि है, बड़ी है, इससे जीव को लाभ क्या होता।
संयोग से सुख नहीं होता, संयोग अलग चीज। एक से बताया कि तुझे इसमें सुख दिखा, ये महापाप मिथ्या, और दूसरा बंधा और फिर भी छूटता और धर्म मानता है, ये तात्विक भूत, और इसके कारण में आत्मा छूटा, राग हुआ पर सन्मुक्ता हुई, शुद्धोपयोग छूटा, शुभोपयोग हुआ। तीन बातें बताई। और फिर ये कहा था कि जीव को इसी जगत में ज्ञानी जन है, उनकी भी सामग्री है सुख बुद्धि नहीं, उनकी भी स्वभाव है धर्म बुद्धि नहीं, वे भी बंधन को प्राप्त होते हैं परंतु उस बंध को अच्छा नहीं मान, ऐसे पुण्य पाप को समान बताने वाली अपन ने भी गाथा सुनी योग सार की है। अभी यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान, ज्ञान में ही त्याग होता है। तो ज्ञान में त्याग कैसे होगा? त्याग नाम का धर्म तो चारित्र, और ज्ञान तो जानने का धर्म है। इससे जानने से चारित्र कैसे हो जाए, ऐसा विचार करेंगे तो ये बात समझ में आई कि ये भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य कौन है? ये आत्मा ज्ञाता है, भगवान है, द्रव्य है, चैतन्य है, प्रभु है, परमेश्वर है, विभूति है, विश्व का कुदरती तत्व है, ये चैतन्य नाथ भगवान विराजते जैसे मंदिर। ऐसा आत्मा अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य सारे प्रभावों को अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से ये जान लेता है कि ये मेरी चीज नहीं, ये तो पराई चीज। जब जिसके चित्त में ये आ जाता है कि ये अपना सामान नहीं, तो सामान नहीं है ऐसा जानते ही वहां से नजर हट जाता है। ये मनोविज्ञान है, अपना समर्पण वहां होता है जहाँ अपनापन, तो मंदिर अपना है तो अपन दौड़ते हुए, धर्म अपना है तो अपन सपना समीर शिखर है तो अपन बात की फिर। जब अपना आत्मा लगेगा तो परिणति अपने में मगन होगी कि नहीं ये पूछ रहे। जब तुम्हें राग जहर लगेगा, आत्मा नहीं लगेगा, इसकी व्याप्ति उदय से लगेगी, ये क्षणिक लगेगा, इससे आकुलता लगेगी, तो बताओ कौन समझदार है जो उसे बनाए रखना चाहेगा और वो छूटेगा कि नहीं? पर छूटा तो किस विधि से छूटा? उसे पर जाना तो वो पर रूप जानने में, जानने में त्याग हो गया। त्याग कहाँ हुआ? ज्ञान में। कब हुआ ज्ञान में त्याग? जब पर को पर जान। तो कौन सी चीज को पर जाना? पर भावों को पर जाना। कौन से भाव पर हैं? जो आपके स्वभाव भाव नहीं है, जो पर के लक्ष्य होते हैं, कर्म का उदय जिसमें निमित्त होता है, अज्ञानता में उसे पर से संधि बैठाता है, ऐसे सुबह से शाम तक होने वाली सारी रामायण महाभारत ये सब पर, पूरा कीचड़ है, दलदल है, नरक संसार घोर दुख, इसे दुख जानता है पर जानता है तो छूट जाता है। अब यही मेरे 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 तो नहीं छूटे। बहुत अच्छी बात कहलाई थी कि न्याय से विचार करना, ये व्याप्ति नहीं बैठती जीव से, राग की व्याप्ति आत्मा से नहीं बैठती, राग की व्याप्ति पर से बैठती। जीव हो राग हो ऐसा भगवान ने नहीं देखा, पर लक्ष्य हो राग ना हो नहीं हो सकता। ये अपने परिवार के लोग अपनी बात तो मानते, तो अपना लक्ष्य कहाँ गया? परिवार जन पर अपन दुखी हो गए, क्योंकि पर के लक्ष्य राग होगा और वो परिवार तो अपना हो नहीं पाएगा, राग होगा और दुखी। सुखी होना है प्रमोद तो क्या करना चाहिए? लक्ष्य छुड़ाना चाहिए, और कहाँ ले जाना चाहिए? तो अपना आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी है, तो कहाँ हुआ त्याग? ज्ञान ही में हुआ कि नहीं?
जब अपने घर में आए आत्मा को ज्ञान स्वभाव ही देखा तो अरे जानना मात्र मेरा स्वभाव कहां से अपना बना नहीं है छूट गया। इसकी सरल विधि है तो करोड़ों रुपए धर्म के नाम से खर्च करे, घर छोड़े, बाहर जाए, रूखा सूखा खाए, धर्म नहीं होगा और आत्मा जानने से धर्म। ऐसे जानना कि जैसे तुमने आत्मा माना है वो तो कसाय राग द्वेष मोह जीव का ही नहीं। तो दो बातें हैं, एक तो आत्मा भगवान है, आत्मा ज्ञाता द्रव्य है आप, दूसरा ये आया इसकी पर्याय में परलक्षी भाव होते हैं, और तीसरा आया तुम्हारे ज्ञान में इन्हें अलग अलग जानने की सामर्थ्य। समझे भैया तीन बातें कौन कौन सी? भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है जो राग देश मूल की संतान प्रवाह धारा से सुबह से शाम तक चलती है, कहाँ द्रव्य में की पर्याय में, पर्याय में चलती है। इसी पर्याय को पर आपका ज्ञान जानने लायक अभी है कि नहीं है? अभी श्रेणी पंचेंद्री में ये न्याय लेने की समझने की लायकात आ जाती है। ऊपर जान सकता है और पर को पर जानने पर फिर उसमें समर्पण होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसे हमें क्या करना, न्यारो कूद पड़ोसी था अलग रहता भी, हमें क्या करना, अभी अलग है, अब हमें चिंता नहीं, कूड़ हो चाहे कैंसर अलग है, ये परिणाम सब हुए कि सब अलग है, नहीं ऐसे परिणाम हो रहे हम क्या करें, हमारा विभाग ये तो अधिक भाव। ऐसा ताकत आती है आत्मा को आत्मा जानने से, पर को पर जानने से। जानने वाला कौन? ज्ञान। ज्ञान ने घे को घे जाना और ज्ञाय को ज्ञाय जाना, इससे त्याग हो गया। डॉक्टर साहब त्याग कहाँ हुआ? ज्ञान में कि बाहर? तो सारा जगत त्याग कहाँ मानता था? बाहर। तो उससे त्याग हो रहा था कि मिथ्या का अहंकार हो रहा था? और ये कह रहे थे हम त्याग, त्याग नहीं करोगे तो धर्म नहीं होगा, त्याग करोगे तो धर्म नहीं होगा, कर ही नहीं सकते। और आप कर तो घर ही में रहे यहाँ, तो घर ही में रहो, घर में रहो ना, कौन कहता है कि नहीं। पंडित जी साहब समझाते कि जगत देखता है कि दीक्षा लेने वाला ग्रह त्यागी है, वो कहते कि इसे घर मिल गया है, घर छोड़ा नहीं है, घर मिल गया। इसने परिवार छोड़ दिया कि परिवार मिल गया, गुणों समूह परिवार। ये जंगल में दिखते हैं दुखी से हैं महासुखी, अंधेरे में दिखते हैं और उजेरे में रहते हैं, भूखे से दिखते हैं और तृप्त वेदन करते। पढ़ो आप भैंसरी के बचना मुनि राजों के यशो गान गाए माता जी, कितनी महिमा आती मुनि नाम, मुनि का नाम लेते। बहुत उत्कृष्ट धर्म के आराधक मुनि भगवान होते, मुनि सूरज चंदा जैसे होते, बिरले होते, चलते फिरते सिद्ध होते। अरे मुनिराज के लिए लिखा है कुंदकुंताचार्य देव ने कि जैन दर्शन देखना है तो इन्हें देख, ये कहाँ देखते, इन्हें देख लो, इन्हें देख लोगे तो तुम्हें आत्मा की याद आ जाए, इतना पवित्र महान जीवन हो। परंतु वो जीवन पर्याय वो हुआ कहाँ से? आत्मा से। वो आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं? वही आत्मा। तो पहले जानता है बाद में त्याग करता। प्रशांत क्या जानता है और क्या त्याग करता? अधूरा उत्तर है। मेरी भगवान आत्मा क्या था जिसमें राग होते ही नहीं है ये जानता है। फिर आज जाना कि राग में नहीं हूं, मैंने क्या भ्रम से जिंदगी खराब कर, मैंने क्या मान रखा था, ये तो भ्रम था, आत्मभ्रांति सम, ये तो भ्रम चला। तो आत्मा को आत्मा जाना, भगवान जाना, ज्ञाता जाना, ज्ञाता द्रव्य दिखेगा तो राग का स्वामीपना छूटे, ऐसे नहीं छूटता। तो जो अपने को आत्मा जानता है वहां राग का स्वामित्व नहीं दिखता, नहीं दिखता तो राग पर द्रव्य दिखता है, तो पर द्रव्य दिखता है तो छूट जाए, छूट जाने से त्याग कहलाया। परंतु छूटना ऐसे नहीं है कि हो गया और छूटा, होता था अब नहीं होगा, ऐसा त्याग होता है।
लड़कपन में किसी किसी जीव अवक्ष खाते आलू प्याज घरों में आते हैं, बिल्कुल ही अज्ञानी परिवार हो, अज्ञानी होगा घर हो, वहाँ पर ये अवक्ष भोजन कुदेव की पूजन आराधन चलती है, दुर्गति में जाना। वो कहते हैं कि तू खाता है तो खा सकता है क्या, रहता है इसमें आनंद जिसे खाना मांगता, में कभी कुछ कमी है क्या जो बाहर से ऐसा स्वरूप समझ में आने पर ये सब पाप छूट जाए। तो पहले जानता है वही बाद में क्या करता है, तो समय भेद है कि नहीं, समय भेद है, तो फिर ये दो लाइनें क्यों लिखी अलग अलग, ये ज्ञान का काम है चरक का काम, दो लाइन लिखे। जो समय ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखता है तो चारित्र स्परिणति में मगन होता है, तो आनंद आता है तो रात टूटता है। पहले जानता है यानी अपने को पहले आत्मा जानो तो राग करके बता देना, जैनी मुमुक्षु होटल में खड़े होके बता देना, बाद में त्याग होता है। अन्न तो कोई त्याग करने वाला है नहीं, सारा जगत त्याग किसे मांगता है, अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ी, अपने नाप सब धर्म के क्षेत्र में भी बाहर बा, अरे भैया छह रस नहीं खा, तो चैतन्य का रस तो आ ही नहीं रहा ना, छह रस छोड़ दिया तो ये तो नास्ती में चला, उसे मिला क्या, यदि कदाचित कसाय मंद हुई तो फिर कहां जाएगा, स्वर्ग जाएगा, तो वहां से आज बताया कि भवनात्रिक तीनों प्रकार के देव और पहले दूसरे स्वर्ग के देव, स्वर्ग में तो गए पर आएंगे कहां, वो जो विमान बासी हु था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तहते चैर, जीव गति में गया था यहाँ महाव्रत धारण करके और एक इंद्रिय होने की तैयारी, आत्मा नहीं जानोगे तो वाया स्वर्ग स्थावर काय में जान। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आया था, ये पुण्य का उदय बहुत खतरनाक, ऐसा आया था ये प्रारंभ में, पुण्यन हुए विभो पुण्यन से पुण्य से हो जाता है वैभव, विभेण मऊ और वैभव से हो जाता है मद, और मद से आ जाता है फिर धीरे धीरे मोह, और मोह में जीव की दुर्गति हो जाती है, तो बताओ ये पुण्य तुम्हें चाहिए क्या जो तुम्हें एक इंद्रिय बना दे, तो उसको पुण्य तुम देव कहते पुण्यम हम माँ, ये भगवान ऐसा पुण्य नहीं देना जो हमें स्वर्ग तो दे दे और आत्मा से दूर, दुकान तो बहुत चले और मंदिर में आने का समय, पैसा तो बहुत मिलती 1 लाख 2 लाख परंतु स्वाध्याय नहीं कर पाता बेचारा, सद्धर्मी कोई पास नहीं बैठता, तो दुर्गति में जाएगा, अभी दुर्गति है भविष्य में भी कष्ट, ये आज पहले आया था कि पुण्य की उदय से वैभव तो मिलेगा बढ़ जाएगा और सारा जगत सडूट मारेगा, सेठ जी जय जनन कहे, और वैभव भी तुम्हारा नहीं बाहर, और वैभव में सुख नहीं उसी सुख भोगना चाहता है ये मती खराब, अब इससे हो रहा है बंद तो तुझे उसका अहित नहीं दिखाई दे रहा, कि जब इसका उदय आएगा बंद का तब हम क्या करेंगे, कोई हमें जीव कहने लायक नहीं रहे, ये मट्टी है कि जीव है, कौन कहेगा मट्टी, तो पहले जानो त्याग हो जाएगा, त्याग की जल्दी नहीं करो, पहले समझ जगा अपने को आत्मा मानो, सबसे बड़ा काम पहले समझाए, अन्य तो कोई त्याग होता नहीं है, इस प्रकार आत्मा में पक्का करो, निर्णय करो, निश्चय करो, ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान के यानी त्याग के तरीके बता रहे हैं जो तुम्हें विश्व में कहीं सुनने नहीं मिले, अरे विश्व में तो नहीं मिलेंगे, जिनेन्द्र देव के शासन में अध्यात्म के अलावा कहीं नहीं मिले, अभी चरणानुयोग मिले बैठ चलता होता ना रत्नगण साहब का चल, तो उसमें तो ये कहेंगे भाई साहब रात में पानी पीते थे, तुम्हारे घर में कंदमूल आता तुम तो जेनी के लाने लायक, तो वो तो अभी तुम्हें बाल श्रावक बना सौंप, पर ये अध्यात्म ग्रंथ है, वो कहते तुम श्रावक नहीं जीव राजा हो चैतन्य, और कोई त्याग तो होता नहीं है,
ये त्याग है। युग प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तव्य का नाम है। यानी जो प्रभाव है ये तेरे लिए उपाधि है, समाधि नहीं है, स्वभाव है। और जो त्याग की विधि है ये बहुत बड़ा आयोजन नहीं है। अपने घर में आते ही सारे घर छूट जाते हैं, अपने को ज्ञाता देखते ही राग खड़ा नहीं होता। त्याग की विधि तो अलौकिक विधि है, ये तो कोई सोच नहीं सकता था कि कुंद कुंद देव इतने सस्ते में अपन को भगवान बना दे। इतना सरल है, बिना पैसे के बोक्स। ऐसी ट्रेन है जिसमें सम्यक दर्शन की टिकट लगती, रेलवे की टिकट नहीं चाहिए। त्याग मात्र नाम मात्र क्या है, यानी परद्रव्य का त्याग कर सकते कि नहीं, नहीं कर सकते। तो अगर चरणान युग में परद्रव्य को छुड़ाने की बातें क्यों कही आपको बता, क्योंकि तुमने उसे अपना माना था तो अपना मानना छोड़, अपना जाना था तो अपना जानना सुधार, और अवलंबन लेने की कोशिश में दुखी होते थे, कोई मानते नहीं हमारी, मानते ही नहीं। अब मनवाना छोड़ दिया तो अवलंबन भी छोड़ दिया, चिंताएं खत्म। समय दृष्टि शांति से रहता है, कोई को भिखारी समझ के हमें दो रोटी देना हो तो दे देना, हमारे अब करने का रस टूट गया। कौन ने कहा था है? ऐसा जीव का जीवन बदल जाता है, शांति की धारा बह। परमार से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का त्याग कर सकता है कि नहीं? सचिन बाबू, द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य वहां पर्याय स्वरूप, तो द्रव्य छोड़ सकते हैं आपके गौड़ के पर्याय, क्या छोड़ सकते? तो फिर क्या छोड़, द्रव्य और पर्याय तुम्हारे थे, वो छोड़ नहीं सकते। और पर द्रव्य को छोड़ोगे क्या, वो तो छूटे छुटाए। जैसे हम जबलपुर से बाहर हैं तो हमने जबलपुर छोड़ा क्या है? जबलपुर तो जहाँ का तहाँ पड़ा, तो तुमने जबलपुर कैसे छोड़ा? तो हंसी आएगी अपनी मिथ्या करतूती पर कि अनंत भव कैसे गुजरी इसकी अज्ञान। बिल्कुल काम ऐसे कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं था, और इतना लंबा कार्यक्रम बन, कितनी बड़ी रामायण हो गई। एक थे राम, एक थे रावण, ना उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी। इतनी सी बात को बातन ना हो, तुलसीदास जी ने गए पूछे, जरा सी बात है, अपनी दृष्टि दूसरे पर डाली, मर गए। ऐसी तुझे जगत की चीज महिमा आती है, अब रो दुख। आत्मा से बड़ा महिमावंत कोई पदार्थ लगेगा तो मिथ्यात नहीं छूटे। पूजा में लगा बाबू जी रविंद्र, निश्चय उत्तम कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सारा आयोजन समझ वेदन अनुभव मुख गौण त्याग धर्म कहाँ होते हैं? जीव के जीव में होते, जीव के प्रणमन में होते। तो परमार्थ से देखा जाए तो प्रभाव के त्याग का कर्तत्व का नाम ही है। सचमुच में त्याग याग कुछ होता है नहीं है, और त्याग धर्म होता है। जब त्याग नहीं होता तब त्याग धर्म होता, और जब तुम त्याग करते हो तो फिर तुम आत्मा का त्याग करते हो। जब तुम त्याग करने की कोशिश करते हो तो तुमसे आत्मा छूट जाती है, जब वो त्यागी बनते हो तो। और आत्मा पकड़ोगे तो त्यागी नहीं बनोगे, धर्मात्मा बन, ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो ये सच्चा त्याग, कौन सा त्यागी सच्चा है? नाम मात्र का त्याग है। सचमुच में तो आनंद ही आनंद श्रेणी आनंद आता धर्म में कि कष्ट होता। ये अपन लोक में भी आती मन है तो कितना अच्छा लगता, पूजन कितनी अच्छी लगती, प्रवचन के जब लोक में जो चीज अपन को अपनी लगने लगती है उसमें जब आनंद आ सकता है तो फिर आत्मा सचमुच में अपना। मतलब गजब की विधि निकली, मतलब ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे राज कि ऐसा भी धर्म होता होगा, क्योंकि आत्मा का धर्म आत्मा से होगा कि बाहर होगा। ये पूछना हमें, ये बताओ कि हमारे मुनिराजों ने क्या छोड़ा है, आप बताओ, लिस्ट लाओ। मिजाब इनने 24 परिग्रह छोड़ा, तो कहाँ थे इनके पास 24 परिग्रह? मूर्छा में थे तो मूर्छा छूटी, ऐसा कहो।
निगे का छूट। तो कुंदगुण देव ने प्रदीप भैया एक गाथा लिखी, परिग्रह किसे कहती है पढ़ना, निर्जराधिकार में साहित्य परिग्रह कहते हैं, चारों तरफ से अपनी को ग्रहण करे वो है परिग्रह। तो आत्मा का परिग्रह ही को बाहर परिग्रह नहीं होता, ऐसी गाथा है। तो कहते आत्मा में इतना वैभव ज्ञान आनंद सब भरा है कि वो पहले पर को ग्रहण किया नहीं था और अब छोड़ने कहाँ जाए, ग्रहण छूट गया कि हम स्वामी बड़ी बार बड़े आदमी है, हमारे घर में 50 लोग बैठे रहते, ये भ्रम है, तुम्हारी दुकान बहुत चलती है, तुम बहुत बड़े आदमी, ये भ्रम छूट गया अब शांति लग। स्वयं तो इस नाम से भेद है क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है। देखो जिसने कहा कि क्या कि त्याग का नाम धर्म, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है कि ज्ञान, सब ज्ञान को त्याग कर दिया, बताओ आप त्यागी हो ना, हमें कुछ त्याग करके बताओ। डॉक्टर साहब ने त्याग है आकिंचन धर्म के निरूपण में लिखा कि त्याग दान में और त्याग में अंतर, दान व्यवहार धर्म और त्याग परमार्थ धर्म, और दान में अपनी वस्तु दी जाए और त्याग में अपनी वस्तु पकड़ी जाए, ग्रहण की जाए। तो राग देश का त्याग हो, जगत क्या देखता है ये छूट, और भगवान क्या देख रहे ये मिल। ज्ञान का त्याग कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते, तो तुम त्यागी नहीं, बाहर का त्याग नहीं बन सकते। बाहर का त्याग के अब ये किस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा लिखी, हे भगवान आत्मा तो आपने बता दी, जितेंद्री है छीणमो है सब बता दिया, और हमें ये तो बताओ नए नए राग देश हो रहे ये कैसे छोड़े, आप तो ऐसे कह के बैठ गए, हमें तो रोज विकल्प होते होते भाव नहीं मिले, फिर से याद करो तुम तो कौन हो, हम तो जीव है ज्ञान स्वभावी, तो तुम ज्ञान को देखो अगर राग होता है कि नहीं बता। विधि देखो क्या गजल, ऐसी विधि कहीं नहीं मिली, तुम अपने को आत्मा देखोगे तो राग नहीं होगा। जैसे नमोकार मंत्र है ना, कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो 5 पाप नहीं होगा, ऐसा है परमामी वो क्या कहते हैं, ऐसो पंच रमो यारो सब पाप नाश, सब पापों का नाश हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से पूछा कि सब पाप छूट जाते हैं तो फिर हमें धर्म करने की क्या जरूरत, कि जब तक छूटते जब तक तुम पढ़ते, अब पढ़ना छूटा हो पाप चालू, ऐसे यहाँ तुम अपने को ज्ञाता नहीं देखते और उपाधियां चालू। प्रत्येक ज्ञान ज्ञान ही निकला और ऐसे ही अनुभव करना चाहिए। भावार आत्मा को प्रभाव के त्याग का काम दिख रहा था कि नहीं भैया, तुम बहुत चिंता में थे कि घर कैसे छोड़े, लड़का बच्चा कैसे छोड़े, अब हम बताते तुम्हें कैसे, तुम कुछ नहीं छोड़ो, किसने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दी, जो है जहां वहीं रहने दे, तो क्या करें हम, केवल दृष्टि इतने में त्याग हो जाएगा कि एक बार मोह तो करो शिखर जी की तरफ, तो देखना जितने कदम चलोगे शिखर जी पास आए, एक बार ज्ञाता रहने के लिए कदम तो उठाओ। और झूला जी आई थी अपने यहाँ, तो बोली इतना बड़ा पहाड़ से कर जी 27 किलोमीटर की बनना, और इतना छोटा सो और भी कर ले, हाँ कर लेगा, कैसे कर ले, एक पैर तो उठाओ, तो एक पैर रख ने संको के रख, फिर दूसरा उठ जाएगा, हो जाएगी बंद, जब तुमसे दो पैर उठाते बन गए तो पूरा पहाड़ भी तुम, कठिन नहीं है पर तुम्हें डर लगता है कि 27 किलोमीटर, यहाँ तो 1 किलोमीटर में रक्षा करते, बिना बाइक के बाइक के साथ बिना आते ही, धर्म सब अपना पराधीन, और ये कह रहे हैं कि छोड़ो तो इस भ्रम को, आत्मा को प्रभावों के, जो तुमने प्रश्न कहा था कि राग द्वेष कैसे छूटे, तो सुनो प्रभावों की त्याग का कर्तव्य है ना, ये नाम मात्र, आज तक किसी ने राग द्वेष भी नहीं छोड़े, घर तो छोड़ किसी ने भी, जैन शासन में राग छुड़ाने की विधि नहीं है, राग उत्पन्न ना हो इसकी विधि,
से के सामने बच जाओ इसकी विधि नहीं है, पर तुम मर न जाओ इसकी विधि नहीं। समझ तो दुखी ना हो इसकी विधि तो भगवान के पास। त्याग का कर्तत्व नाम मात्र है, वह स्वयं तो कौन है जीव, ज्ञान स्वभावी है, और पर द्रव्य कौन सी है, पर है। और जब जीव को ये बात दिमाग में आई कि ये पर है और ये सौर है, तो अब क्या रहा तुम्हारा, तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास, अब त्याग क्या करे बता। एक व्यक्ति आया कि हम दो भाई हैं, हमारा बंटवारा करा दो पड़े। वही तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास, उनकी बीवी उनके पास, नहीं नहीं बाप तो त्याग करा दो, उन्हें न्यारपन करा, तो मम्मी पापा अलग कर देते बागवान जैसे, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसा त्याग करें, दुकान अलग अलग है, मकान अलग है, पत्नी पुत्र दही सब कुछ अलग अलग है, तो त्याग क्या क्या कहलाता है। कहने लगे कि ये हमारे काम में डिस्टर्ब ना करे और हम इसके काम में डिस्टर्ब ना करे, इसे कहते हैं निश्चिंतता निराकर। आप अपनी मर्यादा में ऐसे ही कह रहे हैं कि पर को पर देखो तो एक बार, और चिंता भी पर की करो, पर को पर भी खाओ, ऐसा नहीं बनता। पर का बोझ उतर जाने तो ये भ्रम टूटना है, त्याग है और क्या। पर भाव का ग्रहण ना, अपने यहाँ की बच्चियां होती ना सह, तो अभी शादी नहीं, अब उनके घर में सूर सूतक, तो जी पंडित जी हमें सूर सूतक लगे, हमने कही तुम्हारे पति देव कहाँ, यही कैसी बात है कि पिता देव है, तो जब तुम इसी घर में अपना राग खड़ा करती हो और सूर सूतक से बचना चाहे, सूर सूतक से बचना यानी राग से बचना, ऐसे ये त्याग करने का नाम क्या है कि राग उत्पन्न ना हो, अज्ञान का बना ही रहे, राग होता रहे और बाहर पदार्थ छोड़ता जाए। जिसने आश्रव तत्व की भूल पड़ी होगी उसे याद होगा कि ये आश्रव टालने के लिए आगे सामग्री को छोड़ना चाहता है और सामग्री के छोड़ने से आश्रव नहीं छूटता, क्योंकि वो पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से धर्म का संबंध नहीं। देखो ये कितनी गजब की बात है, स्वयं तो अज्ञानानंद स्वभावी अरूपी अमूर्ति चैतन्य आत्म तत्व है और पर द्रव्य पर है, पर को पर जाना, फिर पर भाव का ग्रहण ना करना यानी श्रद्धा में ग्रहण नहीं करना, ज्ञान में ग्रहण नहीं करना और चारित्र में ग्रहण, तो क्या हो जाएगा। यानी हम कहाँ ग्रहण करते थे, श्रद्धा ज्ञान में, और त्याग भी कहाँ होगा, नहीं समझ में आया। संजय भैया आपका चश्मा चौका में भूल गए और आप अपने आप इसमें खोजते रहो तो कहाँ मिलेगा वो चौका। तो जब चश्मा घुमा था कि नहीं घुमा था, कहाँ घुमा था तो मिला कहाँ, ये तो बता रहे कि राग हुआ कहाँ था, ज्ञान को ज्ञान नहीं जाने में ज्ञान, और राग कहाँ चला गया, ज्ञान में ज्ञान हुआ तो राग होता। विधि देखो, अभी जयचंद जी छावड़ा ग्रस्त विद्वान थे आत्मान, स्वामी जी ने इनका स्मरण किया और तारीफ, ग्रहण न करना वही त्याग है, इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान। देव जीव को क्या चाहिए, शांति, और शांति कब मिलती है, शांति स्वभाव में, तो वो कौन साधन बनाएगा उसे, ज्ञान। तो ज्ञान ने जाना कि मैं आत्मा हूं, तो जानते ही रहो ये त्याग, विचार इसमें त्याग हो जाए, शांति से बैठ रहो, ज्ञान में बैठ रहो, स्वभाव को देखो, भोगो, मगन रहो, अपने भगवान को देखो बार बार, ये कैसी मगन है, मुनिराजों की मुद्रा देखो, ये कैसी मगन है, तुम्हें भी सुखी होना है, एक ही उपाय है। तो ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है कि नहीं, क्योंकि भगवान कहते हमारे केवल ज्ञान में तो आज तक नहीं देखा, तुम लोगों ने कोई जाना हो तो हमें बताए।
नीचे। अब रागादि विकल्पों की उपाधि से है स्वसंवेदन ज्ञान रूप लक्षण वाले प्रतिख्यान के विवरण रूप से गाथाएं आए। अब देखो इसमें इतना सुधार, ये जैसे स्वामी मान क्या कर ले। अमृतचंदे कहते हैं कि ज्ञानी में त्याग, तो ये जो शुष्क ज्ञानी है जो पढ़ के मानता है कि हमें ज्ञान हो गया, तो जैसे स्वामी कहते हैं जीव सुन करके भी दूर है। हम जो कह रहे हैं भाव नहीं पकड़ पा, हम ये कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो तो तुम आत्मा महसूस तो करो, आत्मा आनंदमय है तो आनंद भोगो दो स्वसंवेदन ज्ञान, उसे ज्ञान कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होकर आनंद देता। समझ में आया थोड़ा सा अंतर, ये 200 वर्ष बाद ये सुधार करना पड़ा जयसेन स्वामी। अमृतचंद भगवान का यही भाव था, पर जीव ने नहीं पढ़ा तब इतना साफ ताप खोलना पड़ा। यही तुम ज्ञान स्वभावी तो हो, परंतु ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें आत्मा प्रसिद्ध हो आनंद आए, आत्मज्ञान ही। और अपन किसे मान रहे कि हमने पढ़ लिया और ज्ञानी हो गए, वे कह रहे हैं कि हाँ पढ़ने से ही ज्ञानी होता, पर किसे पढ़ने से। तो संवेदन ज्ञान को ही प्रतिख्यान कहा है, त्याग कहा। प्रतिख्यान के विषय में दो गाथाएं आगे आने वाली, तात्पर्य व्यक्ति हिंदी। इस विशेष है कि यदि जीव और शरीर को एक नहीं माना तो तीर्थंकर और आचार्य की स्थिति सारी व्यर्थ हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। इस प्रकार की जगत के जीव पूर्व पक्ष लेके आए थे मुनिराज के पास, और उन्होंने जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं होती है न्याय से नए विभाग बताकर, हेतु देकर, अनेक दृष्टांत देकर इस बात को सामने रखा कि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन ये देलान देखोगे और भगवान देखोगे तो इससे कोई नाप लगेगा वो, अब भगवान को देखोगे तो भूल जाओगे। खास नीचे भगोड़ा वाला बैठता है, भगवान की कृपा से बैठता है, और वो बैठ रहा है नीचे घुसते ऐसा लगता है कहाँ आ गए, प्याज चल रही है, मर रहे हैं जीव, कहाँ आ गए। और ऊपर आके बता देना किसी को प्याज की महक आती है, एक आदमी याद नहीं करता फिर नीचे क्या हुआ। मतलब नरेंद्र मोदी याद करता होगा उसके इटली का क्या हुआ। ऐसे ये कह रहे हैं कि सौ संवेदन ज्ञान में दुनिया भूल जाओ, कहीं मन नहीं लगे, जब आत्म अनुभव आ गए जीव और शरीर की बड़ी बड़ी बातें करता है था, क्या समझते हो आप लोग नया धर्म चलाती हो और जो पहले की पूजाएं घबी भाबर फैनी पूजा अधिक सब मिटाते जा रहे हो, नया नए धर्म ला रहे हो, पर अब ये भी बताने लगे तो त्याग या कुछ नहीं करना है, बस आत्मा में बैठो, त्याग हो गया जी, कहाँ कहाँ की पढ़ाई है। ऐसा ऐसा दलील देते हुआ बड़ा होशियार व्यक्ति आया, और भगवान ने एक मिनट में उसके चित्त को साफ कर ग्रैंड बास हो गए। प्रभु इन बातों की मैं आत्मा हूँ, शरीर तो जड़ है, संयोग है, रूपी है, अकल से शून्य है, स्वतंत्र पदार्थ है, हम तो इसी के बल से इतने दिन से मन वचन काय और वाणी पे आज तक कल्पना से जीते, आज हमारी आंख खुल, आज समझ में आया है कि स्वावलंबन लेना ही धर्म है, आत्मा को भोगना धर्म है। आज समझ जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं होती है, भगवान कह रहे यदि एक होती तो फिर दो नहीं होती, अलग अलग क्यों हो गए। पानी ना कहा पानी है, ये एक द्रव्य की दो चीजें, दो चीजें वैज्ञानिक ने सिद्ध की, H2O, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये दो हैं तो दो हो जाते, देखो आप गर्म होते तो अलग अलग हो जाता है ऑक्सीजन अलग तो हाइड्रोजन, और मिल जाते हैं तो फिर विकृत रूप बनता पानी, और पानी से ज्यादा विकृत रूप बर्फ का जो आइसक्रीम खाते हो उसमें असंख्या तो जीव हो जाते, क्योंकि वो पानी नेचुरल नहीं रहता, एब नॉर्मलिटी का नाम है बर्फ, उसमें असंख्या तो जीव जन्म ले लेते किसी खाते।
ऐसे ये कहते हैं कि देह और जीव में एक पना रखोगे तो असंख्यात तो बहुत खड़ी हो जाएंगी, कैसे दुख सहो। जीव और शरीर की एकता सिद्ध नहीं होती है ऐसा जानकर शिष्य प्रतिबद्ध हो गया। पूछता है, हे भगवान आपने बताया शरीर मेरा नहीं, भगवान का शरीर भगवान का नहीं, स्त्री का शरीर स्त्री का नहीं, पशु का शरीर पशु का नहीं, जीव अलग है और शरीर, बात तो सही समझ में आ गई, परंतु हे भगवान अजीर राग द्वेष हो रहे इनका हम क्या, रोज होते रहते, सवेरे होते शाम होते, बैठो सामायिक में बैठो, जाप देने बैठो, विकल्प के ढेर लग जाते, आते रहते, अब इनका निपटारा आप ही करो, इनका क्या कहते, बहुत सरल काम है। कैसे ये भगवान रागादि का प्रतिज्ञान कैसे होता है, क्या होता बताओ, ऐसा पूछने पर आचार्य परमेष्टि देव उत्तर देते हैं कि प्रश्नोत्तर रूप संदर्भ में प्रश्न पूछने पर ये 34 गाथा का जन्म हुआ। प्राणम सभ्य भावे पच्चक का ही परेति नादूनम, जानता है वो ज्ञान है और जो जानता नहीं वो अज्ञान है, अजान। दो चीज हो गई कि नहीं, अपन आए थे एक बन के और उन्होंने दो खड़े कर दिया, नहीं समझ में आया कमल कुमार, ये नट जो भैरूपिया है, लैला मजनू बन के आए, राम लक्ष्मण बन के आए, तो बताओ भी राम लक्ष्मण है कि फकीरदास और रामदास, रूप कैसे बना के आए, ऐसा लगता है जैसे सचमुच में ये शेर हो, ब्रह्म गुलाब शेर बन किया, और जब वास्तविक रूप धारण किया तो नग्न दिगंबर मुद्रा मुनि राज की धारण, यह ज्ञान है स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन से पता चलता है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है पढ़ने से पता चला, और ज्ञान स्वभावी आत्मा ये अनुभव से पता चला कि जो कहा था वो बराबर सत्य, पहली प्रमाणिकता आगम और दूसरी प्रमाणिकता अनुभव, कहाँ लिखा है, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और परंपरा गुरु के आशीर्वाद से उपदेश से, ये वैभव हमें जो मिलने वाला है ये तीन तो प्रमाणिक चीज हमें मिल गई पुण्य के उदय से, और चौथी क्या लिखा है, अनुभव से हमें ऐसा पता चला कि सचमुच में आत्मा है, मुझे इतनी देर लेट कैसे हो, रागादि भाव 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 आज पता चला कि पर है, समझ में नहीं आया, देखो आज एक नई बात बताई, अपन को ऐसा लगता है कि राग तो पर है परंतु भ्रांति ये जो पहला गुण स्थान है ये तो अपना ही है, ये कह रहे मिथ्यात गुण स्थान भी जीव में नहीं, मिथ्यात जीव को नहीं होता, जैसे राग नहीं होता ऐसे मिथ्यात जीव, ऐसी पढ़ाई है कि सुन के चक्कर आ जाए या चक्कर मिट जाए, वो कह रहे कि मिथ्यात आत्मा में हो तो फिर छूटेगा, तो फिर कहाँ होता है मिथ्या, हमें नहीं मान, हमें तो ये मानना है हम आत्मा है और आत्मा ज्ञान से बढ़ गई, हमें ऐसे जानने से क्या होगा कि मिथ्या ही नहीं रहे, मिथ्या रागादि विभाव ये सब कैसे भाव हैं, औदिक भाव हैं, पराई भाव हैं, जड़ भाव हैं, संयोगी भाव हैं, असंयुक्त से हटके भाव हैं, 19वीं गाथा में क्या कहा था, तिरस्कारी परिणाम है, आत्मा की बेइज्जती कराते हैं, अभी एक दिन आया था पंडित जी साहब की पत्रावली, ये राग आदि भाव 5 पाप रूप, हिंसा झूठ चोरी कुशील और ये जीव नहीं हो सकते, जीव के स्वभाव में नहीं होते, जीव को इन्हें हटाना भी नहीं है और लाने का भी अधिकार नहीं, ये अपनी योग्यता से आते हैं और अपने काल बिता करके चले जाते, मिथ्या रागादि विभाव कैसे है पर स्वरूप है, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान से जानकर जब हमने आत्मा देखी, सच्ची बताना आंख बंद करके देखना, आत्मा आंख बंद करने पर तुम्हें ज्ञान दिखता है कि घर दिखता, बताओ सती से करो आत्मा, तुम्हें बिक्की दिखता, अब बिक्की दिखेगा जो हमने याद दिला दी,
हम ये जब तक बिक्की याद नहीं दिला रहे थे, जब तक ये कह रहे हैं कि तुम अपने आंख तो बंद करो, तो तुमने 5 इंद्रियों के कनेक्शन छोड़ दिए। अब भीतर देखो तो पहले तो बच्चा ये कहेगा कि अंधेरा दिखा, थोड़ी और देखो तो ज्ञान दिखेगा, थोड़ी और देखने लगो तो विकल्प आती जाती दिखेंगे, और गहराई से देखो तो ज्ञान में विकल्प दूर खड़े दिखते हैं, ज्ञान में विकल्प नहीं दिखेंगे, फिर और देखोगे बारीकी से तो आनंद आने लगेगा और वो सब चक्कर बन जाएगा। इतना सरल धर्म था और इस जीव को हमारे भाव सभी ऐसे सुंदर सपने आते, ऐसे परिणाम होते, गदगद हो जाते अपने परिणाम से। इनसे पूछो बोले परिणाम कहाँ जाए, कौन के हैं परिणाम, कहाँ रखोगे इन। कितनी गजब की गाथा है। वो कहते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान प्रत्याख्यान, आप ज्ञान स्वभाव को पढ़ने की जरूरत है, उसे समझो, नक्की करो, निर्णय करो, पूरा दिन और जीवन इसी में लगाओ। कोई कहे बहुत आगे पढ़ो और आगे पढ़ो, के भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे भगवान ने इतना कहा है कि तुम अपने को ज्ञाता दे, बस ज्ञाता दृष्टा मैं जाऊं, इससे क्या काम हो जाएगा, मद मत्सर मोह सब दूर हो जाएंगे। अपने को ज्ञाता देख के बताओ, पढ़ के ज्ञाता नहीं बताओ, जैसे युधिष्ठिर ने देखा। मैं 2 मिनट में, इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है, ऐसा मानना चाहिए। ये बातें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ऐसी बातें आप जो त्याग त्याग का पक्ष लेते हो, एक बार सच्चा त्याग करके तो देखो, और भगवान ने कहा ऐसा मान के चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। अजय संजय भैया, और हम दूसरे तरह से त्याग करा, आपने जो नया बंगला बनाया उसका त्याग करो आप, और वो मेरा नहीं है इसका त्याग तो आज कर सकते। ये विधि तो देखो इन भगवंतों, ग्रीन वैली का स्वामी मैं हूँ ये मानते थे, अब ग्रीन वैली का स्वामी मैं नहीं हूँ ये मानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको आनंद है। ऐसी विधि अपनाई उन्होंने, ज्ञान का वेदन करोगे सब राग मर जाएंगे। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है, ऐसा मानो जानो अनुभव करो। भाई यहाँ तात्पर्य इतना है कि परम समाधि के काल में, यानी देखो कह रहे हैं कि 4-5 लब्धियां होती, चैवसम विशुद्धि देशना प्रायु, इनमें सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम्हें चैवसम में समझ में आ गया, तुम बहुत तर्कणाए सो तुम प्रवचन भी कर सकते हो, न्याय से बता भी सकते हो, खुद को भी समझा सकते हो, देशना भी अच्छी लगती है, नहीं तो बैठे नहीं रहते, कब की भाग जाते, और कुछ विचार भी करने लगे हो आजकल, ये राग होता है, ये मैं नहीं, ये भोजन हो रहा मैं नहीं खा, ये कह रहा है ये सब हो गया है हमें पता है, अब आगे भी बढ़ोगे कि यहीं रहोगे, आगे आप बढ़ा दो क्या करें। वो कह रहे परम समाधि काल कहलाता स्वसंवेदन काल, करण लब्धि में जो आत्मानुभूति होती है उस दिन परद्रव्य का प्रभाव का त्याग अनुभूति। तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा का अनुभव करोगे, तो अनुभव करने पर सारे प्रभाव का त्याग का क्या हुआ, फिर कंकड़ ऐसा फेंक वृक्ष पर और 25 चिड़िया पता उड़िया, एक चिड़िया को उड़ाने एक पत्थर चाहिए, तो 25 चिड़िया को उड़ाने कितने पत्थर चाहिए, एक में कैसे उड़ेगी। जैसे इतने विकल्प आते थे, इतने आते थे, और लड़कियों को कहाँ जाएंगे कैसे, अब उड़ेगा हम ब्रह्मचर्य से, अब वो कितने विकल्प रहे, हाँ कितने विकल्प। सहजानंदी सर्व